टू द चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम दिल्ली में अगर ईवी चलाते हैं तो दिल्ली में जब ईवी चलाते हैं तो आपको रेंज क्या देगी और कितने रेंज में आप ऑफिस पहुंच जाओगे। देखो हमारा ऑफिस जो है वो है 17 किलोमीटर, इसलिए ये जो दिखा रहा है जो 17 किलोमीटर दिखा रहा है लेकिन 24 किलोमीटर है। तो अभी देखो रेंज हमारी है 264। अब हम लेके चलते हैं इसको, ये देखो 0 किलोमीटर मैंने कर दिया इसको और ये 17 किलोमीटर दिखा रहा है, 24 किलोमीटर है वैसे मैं आपको बता दूं सही में। तो 24 किलोमीटर ये दिल्ली में कितनी रेंज 100% दिखाती है, 100% 264 किलोमीटर दिखाती है, तो कितनी रह पाती है कि नहीं रह पाती है वो मैं आपको दिखाता हूँ आज इस वीडियो के अंदर। मतलब ये वैसे टोटल 100% रेंज के अंदर वो अप्रोक्सीमेटली 10% बैटरी जब रह जाती है तो ये चल जाती है अप्रोक्सीमेट, मैं आपको बताऊँ तो लगभग 180-190 किलोमीटर के आसपास। तो आज देखते हैं इसका ये सारा वीडियो के अंदर, ठीक है। यह 1% ड्रॉप के बाद की परफॉर्मेंस। अभी हम आए हैं अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर तो भाई देखो हम आए हैं अप्रोक्सीमेटली, लेकिन गेट इन कर रहा है, लगभग 44.6 किलोमीटर और 78% की रेंज दिखा रहा है अभी दिल्ली में, 186 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है और 152 वाट पर आर पर किलोमीटर है ये जो इसकी रेंज आई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस कैसी रेंज दिल्ली में देती होगी। और ये येलो ट्रैफिक के साथ था, जो कि येलो ट्रैफिक होता है देखो इस तरह से, इस ट्रैफिक के अंदर ये ऐसा आ रहा है, तो ऐसा है कुछ रेंज ही आ रही है अभी। तो दोस्तों ये देखो अभी हम चल चुके हैं 69.3 किलोमीटर और जो एवरेज आ रही है वो 152 वाट पर किलोमीटर आ रही है और बैटरी बची है हमारी अप्रोक्सीमेटली 65%। अभी फोकस नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तो दिखा नहीं पा रहा है, नहीं मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये बची 65% की बैटरी। तो अभी ये है कुछ स्टेटस ऐसा। अब जब हम गए थे, जब हम निकले थे तब हमारी गाड़ी की रेंज दिखा रही थी 265। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये 163 दिखा रहा है, लगभग 102 किलोमीटर कम हो चुके हैं, बट के होने बल्कि चाहिए थे 69 किलोमीटर कम, बिकॉज हमारी गाड़ी जो है वो 69 किलोमीटर चली है। तो दिल्ली की ट्रैफिक के अकॉर्डिंगली इसने डिसाइड किया है, ये देखो ये चार्ज जो है वो इस तरह से कम हुआ है और ड्राइविंग जो रेट दिया इन्होंने वो 7 दिया। हमने 84 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड करी है और एवरेज स्पीड जो थी वो 30 किलोमीटर पर आवर थी, मतलब 70 किलोमीटर चले हैं हम दिल्ली के अंदर और जो रेंज है वो 102 किलोमीटर कम हो चुकी है हमारी। दिल्ली में यूज़ करते हो तो ऐसा कुछ स्टेटस, इस तरह से कुछ चलती है गाड़ी यहाँ दिल्ली में। तो भाई मतलब कंपेरेटिवली जितनी रेंज दिखाती है उतनी तो देखो एग्जैक्टली नहीं देती है, उससे थोड़ी कम ही देती है, थोड़ी कम के काफ़ी कम देती है, तो दिल्ली में बहुत डिफरेंस आता है। तो ये एक छोटा सा एक ब्लॉग था दिखाने के लिए आपको कि अगर आप दिल्ली में एक ईवी लेकर के चलाते हैं तो वो जो रेंज इसमें एक्यूरेट दिखाता है वो आती है कि नहीं आती है। तो ये उसके लिए जनरल एक नोट आपको लिए, आपके लिए जनरल एक वीडियो था। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहो आगे ईवी के ब्लॉग्स आते रहेंगे। मैं एक आईसी इंजन और ईवी इंजन ईवी के मोटर की डिफरेंस की वीडियो भी बनाना चाह रहा हूँ आगे, जल्दी इसको थोड़ा सा एक बार समझ लें और ज़्यादा बेटर तरीके से, देन उसके बाद उसका एक वीडियो जनरेट करते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।